हाल ही में अस्तित्व में आए चित्रकूट विकास प्राधिकरण की पहली बैठक शुक्रवार को चित्रकूट में प्राधिकरण के अध्यक्ष और सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में की गई। चित्रकूट के पर्यटन सूचना केंद्र में हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर सतना एवं प्राधिकरण के सीईओ स्वप्निल बानखेड़े तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर सरकार की मंशा से परिचित कराते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित इस धार्मिक नगरी को सुंदर और व्यवस्थित बनाने सभी को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से काम करना चाहिए। ये भगवान श्री राम की तपस्थली है और इसका पौराणिक धार्मिक महत्व है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, लिहाजा पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। चित्रकूट के विकास से जुड़े सभी काम आपस में समन्वय बनाकर हों, इसलिए कलेक्टर ने एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और वर्तमान में कलेक्टर सतना को उसका अध्यक्ष और एडीएम सतना को उसका सीईओ नॉमिनेट किया गया है। इसी के संबंध में हम लोगों ने चार्ज दे दिया और पहली जो मीटिंग आज सभी विभागों को बुला के एक कोऑर्डिनेशन टाइप की मीटिंग की, जिसमें विभाग के जो काम चल रहे हैं तो सभी एक समग्र उस पर चले और सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, जिससे कामों की गति प्रभावित ना हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो एनडीए के प्रोजेक्ट्स हों, एमपीडीसीडीएल के माध्यम से कुछ काम चल रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड और नगर पंचायतों ने भी कई सारे नए प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो वो सभी एक अम्ब्रेला के अंतर्गत आ सकें। विकास प्राधिकरण का यही प्रयास रहेगा और साथ ही अब विकास प्राधिकरण अब आगे चलते हैं नए कामों का भी सर्वे करके और क्या जरूरत है उनके प्रोजेक्ट बना के भी हम शासन को सबमिट करेंगे। जिससे शासन के द्वारा प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसमें विभिन्न विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। विभिन्न विभाग काम करने के कारण जो एकजुटता आनी चाहिए और एकजुट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं तो कमी थी, जिसके कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ये विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जिसमें कलेक्टर महोदय को अध्यक्ष का पद दिया गया और हमें प्रभार दिया गया सीईओ का। अब इसके कारण जो प्रभार दिया उससे मॉनिटरिंग अच्छी होगी और जो काम धीरे धीरे चल रहे थे उसमें तेज़ी आएगी और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हर विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है,